बहुत बधाई हो आपको। थैंक यू सर। तीसरी बार आप दोनों इरफान और आप दोनों एक बार फिर आ रहे हैं। कैसे हुआ ये दिल आवारा, कैसे उपज हुई इसकी और क्या कुछ कहना चाहेंगे इसके सक्सेस? मुझे तो नहीं, मुझे लग रहा है तीसरी बार हम आ रहे हैं। ये इतने अच्छे सिंगर मुझे लग रहा है, इतने टाइम में भी मैं तीसरी बार ही क्यों आ रहा हूँ? बार बार और जल्दी क्यों नहीं आ पा रहा? वाह, बहुत अच्छा कोलैबोरेशन रहा ये हमारा साथ में। हमने जाना है तो जा किया, उसके दो वर्जन्स किए, मेहरबान किया, नौ दिल आवारा। और ये गाना बहुत जब कंपोज हुआ था, शकील भाई ने इसे लिखा है। एक डिफरेंट किस्म की इनकी राइटिंग है इसके अंदर। और जब मैंने कंपोज किया तो उस कंपोजिशन में भी एक एम्प्टीनेस थी। मुझे इन्हें समझाने में भी इतना समय नहीं लगा एंड इन्होंने बहुत अच्छा उसको गाया है। तो हमारे जो विजन, जो एक कंपोज़र और लिरिसिस्ट ने जो जब वो गाना बनाते और जो शुरू करते हैं, तो जाना है तो जा में भी, मेहरबा में भी, लेकिन आई वुड से ये बहुत उन दोनों गानों से ये ज़्यादा ट्रिकी गाना था इन टर्म्स ऑफ रेंडिशन। और इन्होंने बहुत बखूबी निभाया और उस हमारे विजन को पूरा एक्सटेंड एनहांस करके और जैसा हम चाहते थे वैसा हुआ। और अभी आपने गाना सुना ही है, बहुत मेहनत से हमने इसे प्रोग्राम किया और जो इसका म्यूज़िक भी है वो जो उसके शब्दों की और उसके ट्यून की जो वाइब है उसी को कन्वे करता है। मोहम्मद जी, आप क्या कहना चाहेंगे इरफान भाई? गाना सुन के तो कहते हैं ना कि आंखें ने बल्कि सांसें भी थम गई थी हमारी सुनने के टाइम। आपका रिएक्शन क्या है पहला जब लोगों का इस तरीके का प्यार मिल रहा, आशीर्वाद मिल रहा है गाने को लेकर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मेरा रिएक्शन, ऑब्वियसली मैं बहुत खुश हूँ इस गाने का जो रिएक्शन आ रहा है लोगों का वो देख के। आई एम वेरी हैप्पी, आई एम एक्सट्रीमली थैंकफुल टू सिद्धार्थ भाई के तीसरी बार एक बार फिर मुझे इन्होंने एक गाना मुझसे गवाया। वो फेथ एक कंपोज़र जब एक सिंगर में दिखाता है तो कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है कि मैं अच्छा कर सकता हूँ। तो मैंने कोशिश की इस गाने को अच्छे से निभाने की और आउटपुट मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, जिस तरह का आउटपुट है, ऑडियो, इवन द वीडियो इज़ लुकिंग सो अमेजिंग। सो आई होप कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस गाने को पसंद करें। इरफान भाई, तीसरी बार आप लोग एक बार फिर मतलब आ रहे हैं और जवाब, जैसे अभी कंपनी ने भरोसा किया तो जवाबदारी कंधे पर पड़ी है, बोझ बढ़ गया है। कहते हैं कि जवाबदारी का बोझ जब कंधे पर पड़ता है तो बचपन याद आ जाता है। तो क्या कुछ कहना चाहिए, जवाबदारी बढ़ गई थी, आगे भी कुछ करना है साथ में? और इस गाने को लेके कितना आपको चैलेंजेस था कि भाई तीसरी बार हम आ रहे हैं तो कुछ अच्छा करना है, बेटर करना है? नहीं, बिल्कुल वो बात मैं अग्री करता हूँ कि एक जिम्मेदारी बढ़ जाती है, क्योंकि फर्स्ट, पहला जो हमने साथ में कोलैबोरेट किया था जाना है तो जा, दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई इवन मेट सिद्धार्थ भाई। मैं उनसे पहली बार मिला ही था उस गाने के लिए, तो काफ़ी एक नया रिलेशनशिप था एक म्यूज़िक कंपोज़र सिंगर का। बट तभी से मुझे समझ में आ गया था कि ये बहुत ही कमाल के इंसान हैं, बहुत ही कमाल के म्यूज़िक कंपोज़र हैं। क्योंकि सबसे अच्छी बात जो मुझे सिद्धार्थ भाई की लगती है वो ये है कि वो सिंगर को पूरा फ्रीडम देते हैं। ऑफकोर्स लाइक एक सिंगर को भी समझना चाहिए कि गाने का एक दायरा होता है, गाने के इमोशंस होते हैं, उस दायरे के अंदर ही सिंगर खेल सकता है या कुछ इम्प्रोवाइज कर सकता है। तो उस दायरे में रहते हुए मैं कुछ करना चाहता हूँ तो वो मुझे फ्रीडम देते हैं, उस वजह से गाना और एनहांस होता है। सो एक म्यूचुअल रिलेशनशिप होता है। अदरवाइज़ कई म्यूज़िक कंपोजर्स होते हैं जो आपको सिर्फ बता देते हैं कि ऐसा ही गाना है। ये क्या नोशन सब सिंगर्स बोलते हैं, लेकिन मैं करेक्ट करना चाहता हूँ, मैं बहुत लिमिटेड सिंगर्स को ही ऐसा फ्रीडम देता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि किनको फ्रीडम देनी चाहिए जो वहाँ से एनहांस कर सकेंगे। तो बहुत जगह फ्रीडम दे दो तो उसके अंदर बाकी को फ्रीडम देने में आप खुद जेल में आ जाओगे। वही मैं बोल रहा था कि सिंगर को भी पता होना चाहिए कि किस कितने दायरे में खेलना है। तो थैंक यू सिद्धार्थ भाई कि आपने अपना ट्रस्ट दिखाया मेरे पे और मुझे अपना इनपुट देने का मौका दिया। शकील सर, बिना आपके तो ये गाना पूरा हो ही नहीं सकता था। पहला ओपिनियन क्या है आपका, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस गाने को, कैसे जन्म लिया ये गाने ने दिल आवारा है? सिद्धार्थ भाई और मैं अक्सर ऐसा होता है हमारे साथ के साथ में धुन भी बन रही है, साथ में लिखा भी जा रहा है, तो ना मैं लिखने
को आखिरी लाइन समझता हूँ और ना तो ये ट्यून को आखिरी हद समझते हैं। तो हम अपनी हदों को तोड़ते रहते हैं, हदों के उस पार जाते रहते हैं। कई बार गाने का मुखड़ा कंप्लीट हो जाता है, फिर ऐसा लगता है कि यार इसमें लास्ट में दो लाइन या दो फ्रेज बढ़ा दें या शुरू में बढ़ा दें। तो इस गाने में भी ऐसा हुआ, जैसे बेचैन है दिल आवारा से पहले का जो पोर्शन है वो शायद हमने बाद में किया, मतलब प्रोसेस ऐसा चला। तो ये बहुत अच्छा हम दोनों के साथ रहता है। और जैसे अभी इरफान भाई ने कहा कि वो मुझे पूरा फ्रीडम देते हैं, फिर इन्होंने कहा कि उसी को देता हूँ जिसको समझता हूँ कि इसको देना चाहिए, तो मेरे साथ भी ऐसा होता है, लिखने की आज़ादी होती है। दरअसल फनकार की सबसे बड़ी कामयाबी है आज़ादी। जब उसे आप आज़ादी नहीं देंगे, जब आप उसे एक मजदूर समझेंगे और उसको आपने एक फावड़ा दे दिया कि भाई यहाँ गड्ढा खोद दे, होना ये चाहिए कि वो गड्ढा खुद डिज़ाइन करे, फावड़ा भी खुद डिज़ाइन करे, और कितना गहरा और कितना चौड़ा होना चाहिए वो भी वही तय करे, तब जाके वो सही काम होता है। उर्दू के बहुत बड़े शायर हैं गालिब, उन्होंने एक शेर कहा था कि देखना तकरीर की लज्जत के जो उसने कहा, मैंने ये समझा कि गोया ये भी मेरे दिल में है। तो चाहे वो शायरी हो, कहानी हो, फिल्म हो, जब हर जगह एक बात कही जाती है, शायरी को उर्दू में सुखन कहते हैं और उसका एक मानी होता है बात, तो शायरी बात है जिस तरह कहानी बात है। तो जब हम अपनी बात को इस तरह से कह देते हैं कि कही हमने है और वो सबको अपनी लगे, तो वो बात बन जाती है, वो फिल्म बड़ी हो जाती है, वो शायरी बड़ी हो जाती है, वो कहानी बड़ी हो जाती है, वो नावल बड़ा हो जाता है। मुझे लगता है कि इस गाने के साथ ये बात हम कह पाए हैं, हम सब ने मिल के, मेरे म्यूज़िक कंपोज़र ने, मैंने खुद, और मेरे डायरेक्टर अंशुल ने, और मेरे सिंगर इरफान ने, और ये अपूर्वा और राहुल ने, हम सब मिल के एक इस तरह की फिल्म बना पाए हैं। ये वीडियो क्या है, ये जो गाने का वीडियो है, ये भी अपने आप में एक फिल्म है, एक शॉर्ट फिल्म है, एक शॉर्ट स्टोरी है, जिसको कम वक्त में, कम शॉट्स में डायरेक्टर बड़ी बात कहने की कोशिश करता है, उस पोइट्री के ज़रिए, उस ट्रैक के ज़रिए, उस म्यूज़िक के ज़रिए जो उस गाने में है। तो मुझे लगता है कि सब ने अपना पूरा काम जिम्मेदारी से किया है, इसलिए ये गाना लोगों को पसंद आ रहा है। मुझे कई मेरे दोस्तों ने और कई ऐसे सुनने वालों ने भी मुझे इसकी तारीफ़ की, वीडियो की भी बहुत तारीफ़ की, और शायरी और कंपोजिशन और इरफान की आवाज़ माशाल्लाह क्या कहने। और इस वीडियो की एक और ख़ास बात ये है कि इस वीडियो का जो कलर है, जो हम कलर जो डिज़ाइन किया है अंशुल ने, वो बहुत ही कमाल है, बहुत भला लगता है, बहुत अच्छा लगता है। तो कभी कभी ये होता है कि हम सब मिलके अपनी बात को ठीक से कह पाते हैं और वो सही जगह पहुंच जाती है। तो इस गाने के साथ मुझे लगता है ये हुआ है, हम शायद कामयाब हुए हैं। और बहुत सी बार ऐसा है कि एक चीज़ ऐड करूँगा कि बहुत सी बार आपको गाना अच्छा लगता है तो गाना सुनने में अच्छा लग रहा है, कहीं कहीं पे विजुअल्स अच्छे लगते हैं तो हमें केवल वीडियो देखने में अच्छा लग रहा है। बहुत कम गाने हो पाते हैं, फिल्मों की अब मैं बात नहीं कर रहा, फिल्मों को छोड़ दे, लेकिन इंडिपेंडेंट म्यूज़िक जहाँ पर एसके म्यूज़िक वर्क्स सबसे ज़्यादा हमारा फोकस है और हम काम कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट म्यूज़िक में एक कहानी को और एक गाने को उस सिंक में बना पाना बहुत डिफ़िकल्ट काम होता है वो अचीव करने का। और मुझे लगता है इस गाने से हम कर पाए, इसीलिए वीडियो की भी उतनी तारीफ़ है और गाने की भी उतनी, जिस तरीके से गाने में सिंगर की उतनी तारीफ़ है क्योंकि वो हमारा फ्रंट फेस होता है, वैसे ही वीडियो के अंदर जो हमारे एक्टर्स हैं वो जो कास्टिंग हुई है उनके काम को बहुत पसंद किया जा रहा है। और एक बात मैं एसके म्यूज़िक वर्क से क्लियर करना चाहता हूँ आपके माध्यम से, हमारा जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा कन्वेंशनल किस्म का है, बट हमको, मैं जैसे शकील भाई हों, कुमार जी हों, रकीब भाई हों, सभी लिरिक राइटर्स जिनके साथ में हम काम करते हैं, हम पहले एक कंपोज़र लिरिक राइटर हम बैठ करके गाने को एनविजन करते हैं, हम पहले गाना बनाते हैं और फिर गाना बनाने के बाद उसके आगे
उसके लिए जो जो चीज़ें चाहिए फिर हम उसको उस हिसाब से डिज़ाइन करते हैं। मतलब हम हमारे यहाँ कोई आदमी, मैं ऐसा बोलूँ कि मतलब लाश के बाद हम कफन बनाते हैं, ऐसा नहीं कि हम पहले कफन खरीद लाए और उसके बाद हम लाश ढूंढने जा रहे हैं कि चलो इसमें फिट कर दे। अच्छा, तो इस गाने का म्यूजिक बड़ा प्यारा है, सितार जी कैसे कर पाए और उसके बारे में थोड़ा सा बताएं कि चैलेंजेस रहा, डिफिकल्ट रहा, क्योंकि एक से बढ़कर एक आपके गाने आ रहे हैं और मच बेटर करेंगे तो ही मार्केट में टिके रहेंगे। म्यूजिक के लिए मैं सारा क्रेडिट मेरी जो म्यूजिक प्रोडक्शन की टीम थी, ऋषिकेश कामेरकर हैं, पीए दीपक हैं जो म्यूज़िक प्रोड्यूसर हैं, इन्होंने थोड़ा प्रोड्यूस किया, उसके बाद नकुल अभ्यंकर, उन्होंने एडिशनल प्रोग्रामिंग किया, इरफान ने गाया है पर हमारे वोकल सुपरवाइज़र उनके साथ में सुदीप जयपुर वाले, फिर फाइनल मिक्स में रिकॉर्ड हमने यशराज में किया, विजय दयाल, ये जितने सारे स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नीशियंस हैं, नकुल अभ्यंकर जिन्होंने मिक्स किया, और हमेशा उनके साथ करते करते जहाँ कहीं मुझे लगता गया कि मुझे कुछ कम लग रहा है तो मैं उन साउंड्स को ऐड करता, एलिमेंट्स को ऐड करता गया, और जैसे एक बीच में हॉन्टिंग फील है जो कि मतलब इस पूरे गाने में फीमेल वॉइस सिर्फ एक ही जगह आती है, शावेरी ने वो गाया है, लेकिन मुझे जब हमने गाना बना लिया था उसके बाद भी मैं जब अंशुल से स्टोरी डिस्कस कर रहा था तो ये हमेशा आके बोलता था कि सब वो फील आ रहा है लेकिन मुझे कहीं ना कहीं वो एक हॉन्टिंगनेस जो होती है वो कहीं ना कहीं मिसिंग लग रही है, कहीं ना कहीं मिसिंग लग रही है। देन वो फ्रेज़ कंपोज करके उसे हमने बाद में जोड़ा, वो फ्रेज़ जुड़ने के बाद में लगा कि अब अंतरे के ऊपर मैं कुछ चेंज करना चाहिए, तो जैसे शकील भाई को मैं कह रहा हूँ, तो फिर हमने उसके लिरिक्स को, तो एक एक जर्नी थी उसकी, बट मुझे लगता है वो यात्रा हर चीज़ के साथ होती है क्योंकि जब हम क्रिएटिव काम करते हैं तो एक जर्नी सभी की होती है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है वो जर्नी कैसी भी हो, सक्सेस है फेलियर है वो बात की बात है, लेकिन हम उस जर्नी को एंजॉय कर पाएँ, और मुझे लगता है इस गाने के अंदर हम सब ने जहाँ जहाँ पर भी हम इन्वॉल्व थे हमने सब उस जर्नी को बहुत एंजॉय किया। आई वुड लाइक टू से समथिंग हियर, आपने म्यूज़िक के बारे में पूछा सिद्धार्थ भाई से कि इस कॉम्पोजिशन के बारे में जब इतना अच्छा गाना बना है, सो ही इज़ आई मीन ही इज़ अ ग्रेट लीडर एंड ही इज़ नॉट अ बॉस, क्योंकि एक ग्रेट लीडर की क्वालिटी होती है कि इन्होंने क्रेडिट सारा अपनी टीम में बांट दिया, कि वो म्यूज़िक अरेंजर, रिकॉर्डिस्ट और सब सिंगर सब में बांट दिया, सो इज़ अ ग्रेट लीडर, अगर बॉस होते तो अपना क्रेडिट पूरा खुद ले लेते, सो दैट्स एन अमेजिंग क्वालिटी। वो आप जब वीडियो का पूरा पोर्शन करो ना, क्योंकि मुझे लगता है वो लोकेशन के ऊपर जो न्यूएंसेस और इंस्टेंसेस हैं वो हमारे डायरेक्टर और एक्टर इतना अच्छा बता पाएंगे आप, क्योंकि मैं तो वो वसई का ही फोर्ट है वहाँ पर हमने ये शूट किया हुआ है, और मुझे जब मैं शूट पे नहीं जा पाया था, पर जब ये विजुअल्स मेरे पास आए तो मुझे भी मैं एस्टोनिश रह गया, मुझे पूछना पड़ा कि अपन ने ये बम्बई में ही शूट किया है क्या। तो भाई काफ़ी ब्यूटीफुल लोकेशन है और उसको बहुत ब्यूटीफुली शूट किया गया, हाँ, और उसमें अंशुल जी को सबसे बड़ा क्रेडिट है, और जो इसके डीओपी हैं ऋषिकेश हमारे, काफ़ी सारे वीडियोस उन्होंने किए हैं, और उन्होंने जिस तरीके से पहले उसका शॉर्ट टेकिंग बहुत इंटरेस्टिंग है इसीलिए लगता है, और मुझे लगता है ये रेफरेंस बनना चाहिए कि भारत में वाकई इतनी जगह हैं जो कि अनएक्सप्लोर्ड हैं, यदि फिल्मों के माध्यम से तो उन्हें एक्सप्लोर किया ही जा रहा है, बहुत सी सरकारें कर रही है, लेकिन मुझे लगता है ये सरकारें अगर म्यूज़िक वीडियोस में दें और म्यूज़िक वीडियोस वालों को जो इस इंडिपेंडेंट स्पेस जो ग्रोइंग है अगर उन्हें ये चांस मिलेगा तो मुझे लगता है इन सारे छोटे छोटे लोकलाइज्ड जगहों को हम बहुत बड़ा बना सकते हैं। सिद्धार्थ जी, जैसे अभी आपने कहा कि इस यात्रा में इन दोनों का कितना योगदान रहा और इनकी जर्नी कैसी रही, हैप्पी रही, कैसा रहा? इन दोनों की, इन राहुल और पूर्वा की जर्नी बहुत अच्छी रही, मैं कहूँगा इस गाने में सबसे बेस्ट बात ही राहुल और पूर्वा की कास्टिंग है, क्योंकि आप कभी भी देखेंगे कि देखिए जब गाना बनता है ना तो गाने में हम बोलते हैं लिरिक्स हैं, कंपोजिशन है, मैं हमेशा एक चीज़ मानता हूँ, सबसे जैसे फ्रंट फेस जो होता है ना गाने का वो हमारा सिंगर होता है, वो लीड सिंगर होता है, वो वॉइस होती है, वो अगर करेक्ट हो गई
तो उसके पीछे सब चीज़ें करेक्ट होने लग जाती है। वैसे ही जब हम वीडियो बनाते हैं या फिल्म बना, तो हमारी जो कास्ट है, जो एक्टर सामने दिख रहे हैं, वो सबसे पहले करेक्ट होने चाहिए। तो ये दोनों मुझे लगता है बिल्कुल परफेक्टली कास्ट हुए हैं। इन्होंने अपनी पूरी मेहनत से बहुत एक्सप्रेसिव रहे हुए हैं, और आप जब इनको देखेंगे भी तो देखेंगे कि राहुल वाकई पूर्वा अगर चली जाएगी तो पूर्वा है ऐसी कि राहुल इतना रो सकता है। राहुल तो क्या, राहुल को देख करके बहुत लोग रो सकते हैं। हाँ, इसके बाद हमारे चार गाने फिर रिलीजेस पे हैं। ये गाना हमने इस महीने किया है, अगले दो महीने में हमारे कुछ कुछ आर्टिस्ट के साथ में गाने, अमित गुप्ता के साथ में एक गाना है, एक गाने के लिए हम मीका सर के साथ में हमारी बातचीत शुरू है, वो अगर होगा तो वो हम पहले उसे कंप्लीट करेंगे। देन एक बहुत अच्छे सिंगर हैं जिन्हें जिनकी आवाज़ मुझे बहुत पसंद है, मैंने दो चार जगह और अभी काफ़ी उनका गाना भी हिट हुआ, मधुर शर्मा, तो उसके साथ में भी हमारा लाइनअप हुआ हुआ है। एक वीडियो हमने शहजाद अली सिंगर हैं उनके साथ में बनाया है, जिनके साथ में वीडियो में मृणाल हैं और नेहा है, तो इन सारे वीडियोज़ को हमने पाइपलाइन में किया हुआ है। जैसे जैसे हम जब जब हमें वो मूड और वो चीज़ लगेगी, उस गाने के लिए करेक्ट टाइमिंग लगेगा, हम उन्हें रिलीज़ करते जाएंगे। था कि बहुत ही सेफ्टी के साथ हुआ था एक्चुअली। सबसे पहले तो ये बोलना चाहता हूँ कि क्रूज़ के नाम से बहुत सारी चीज़ें याद आती, बट ये वो क्रूज़ नहीं था। ये क्रूज़ बहुत ही अच्छा था, जैसे टीम इनोवेशन ने ऑर्गेनाइज़ किया था लास्ट ईयर, और सारे आर्टिस्ट जितने भी इंडिया के परफॉर्मिंग आर्टिस्ट हैं, सबसे बड़े डीजे सिंगर्स, सभी ने परफॉर्म किया था, और काफ़ी बड़ा इवेंट हुआ था। तो आई थिंक दिस इज़ फॉर द सेकेंड टाइम वे दिस क्रूज़ इज़ हैपनिंग, दिस फेस्टिवल इज़ हैपनिंग। इसमें सनबर्न है, इसमें टीम इनोवेशन है, और इसमें क्रूज़ है, तो कहीं ना कहीं आई थिंक आई एम वेरी एक्साइटेड दैट सो मेनी पीपल आर गोइंग टू बी पार्ट ऑफ इट। इट्स लुकिंग वेरी बिग। व्हाट्स योर एसोसिएशन विद सनबर्न? सी, माय एसोसिएशन इज कि लास्ट टाइम आई वाज द हेडलाइनर, आई वाज डूइंग दिस इवेंट, मतलब आई वाज द मेन परफॉर्मर फॉर इट, देयर वर सो मेनी अदर परफॉर्मर्स आल्सो, एंड दिस ईयर आल्सो आई एम हेडलाइनिंग द इवेंट। मैं हूँ, चेतस है, और लास्ट टाइम बीपराग भी थे, और बीपराग तो आप जानते कितने कमाल सिंगर। सो इस बार वापस से हम दोनों कर रहे हैं, चेतस और मैं इस बार भी है, और भी बहुत सारे नए आर्टिस्ट हैं जो बहुत ही ज़बरदस्त टैलेंटेड लोग हैं। सो आई थिंक इट्स गोइंग टू बी फन, एंड बहुत सारे इंटरनेशनल आर्टिस्ट भी है। किस तरह की तैयारी की थी आपने? मैंने तैयारी ये करी है कि मैं आ रहा हूँ, और क्योंकि हाय, सो आई थिंक आप, थैंक यू सो मच, आप सब लोगों को म्यूज़िक वीडियो इतना पसंद आ रहा है, दिल आवारा, और इतना सब लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, उसको शेयर कर रहे हैं, सो थैंक यू वेरी मच। लेकिन कोई भी म्यूज़िक वीडियो जो है वो शुरू होता है म्यूज़िक से, गाने से। तो ये जो दिल आवारा जो गाना है, जो सिद्धार्थ कश्यप ने कंपोज़ किया है, और शकील आज़मी भाई ने लिखा है, और मोहम्मद इरफान ने गाया है, वो गाना अपने आप में इतना ब्यूटीफुल है कि म्यूज़िक वीडियो जो लोगों को पसंद आ रहा है, उसका जो इंस्पिरेशन है वो उस गाने में से ही निकल कर आया है। सो जब पहली बार मैंने गाना सुना था, सिद्धार्थ ने मुझे गाना सुनाया था, तो आई वॉज़ वेरी इम्प्रेस्ड, और ऑनेस्टली मुझे गूज बम्स हो गए थे वो ट्यून और लिरिक्स सुन के, और उसका जो हॉन्टिंग फील था, उसके अंदर जो पेन था, उसके अंदर जो लव था, सो इट वाज चैलेंजिंग फॉर मी टू कम अप विद अ स्टोरी, एक ऐसी कहानी लेकर आएँ जो उस गाने को जस्टिफाई कर सके, बिकॉज वो गाना अपने आप में इतना डीप है कि उसको स्क्रीन पर लेकर आने के लिए एक बहुत डीप स्टोरी चाहिए। सो आई वॉज़ वेरी एक्साइटेड ऑल्सो एंड वेरी हैप्पी एट द सेम टाइम, इट वॉज़ अ चैलेंजिंग जॉब। सो आई होप कि हम लोगों ने वो गाने को जस्टिफाई किया अपने म्यूज़िक वीडियो के साथ में, एंड एवरीबडी इज़ लाइकिंग इट, सो प्लीज़ उसको और शेयर करते रहिए, और लोगों तक पहुँचाइए जो हम सब लोगों ने मेहनत करी। एंड वीडियो का जो एक्सपीरियंस था वो बहुत कमाल का था, क्योंकि एस के म्यूज़िक वर्क्स की जो पूरी टीम है, जो सिद्धार्थ जी खुद लीड करते हैं, तो वो मुझे उन्होंने बहुत ज़्यादा क्रिएटिव फ्रीडम और लिबर्टी दी ये काम करने के लिए, बिकॉज सिद्धार्थ सिर्फ खुद एक प्रोड्यूसर नहीं है, खुद एक आर्टिस्ट हैं, तो एज एन आर्टिस्ट वो समझते हैं कि किसी भी आर्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए क्या क्या नीड्स होती है, क्या क्या नेसेसिटी होती है, और वो बढ़ चढ़ कर अपनी टीम को इनक्रेज करते हैं कि वो उनका बेस्ट आउटपुट बाहर निकल सके।
तो ये हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ा सपोर्ट फैक्टर रहा। तो वहाँ से जब हमने काम शुरू किया शुरू शुरू किया और एसके म्यूज़िक वर्क्स की पूरी टीम ने हमें जो सपोर्ट सिस्टम था हमारे पास में, जो हमारी पूरी क्रू थी, और उसके बाद फाइनली जो हमारी कास्टिंग हुई, जो आप साथ में यहाँ पे पूर्वा और राहुल को देख रहे हैं, तो इन सब के कॉन्ट्रीब्यूशन से वो वीडियो बनाए जो आप अभी देख रहे हैं। सो आई थिंक इट वॉज़ अ फैंटास्टिक एक्सपीरियंस। और पूर्वा और राहुल आपको और बताएंगे उसके एक्सपीरियंस के बारे में। पूर्वा मंदे मंद मुस्का रही हैं आप कब से, और आपकी बारी मुस्कुराहट देखकर आप बोल नहीं पा रहे। कैसा रहा एक्सपीरियंस, क्या कुछ शेयर करना चाहेंगे? पूर्वा के बगैर ये पूरा होता क्या आपके अलावा? मेरे ख्याल से नहीं होता, क्या कुछ कहना चाहेंगे? वो तो आपको पूरी टीम बता सकती है, पूर्वा के बगैर ये गाना पॉसिबल है कि नहीं, बट मैं अपना आपको बता सकती हूँ। ये गाना मेरे दिल के बहुत करीब है। इसके लिरिक्स, यू नो द वे इट इज़ शॉर्ट, इट्स ब्यूटिफुल, यू नो लव इज़ सच अ इटर्नल वर्ड, एंड द होल फील, पूरी फील जो है गाने की, एक लॉस्ट लव है, एक पेन है, और ज़िंदगी में सब लोग वो एक्सपीरियंस करते हैं कहीं ना कहीं और वो ज़रूरी नहीं है एक लड़का एक लड़की के बीच में हो, वो अपने किसी भी रिलेशनशिप में हो सकता है। सो आई थिंक ये गाना जस्टिफाई करता है वो सब लॉन्ग लॉस्ट लव विच इज़ टुवर्ड्स अ फादर मदर ब्रदर सिस्टर हस्बैंड एनीबडी। तो ये गाना मेरे दिल के बहुत करीब है, और एक्सपीरियंस मैं ये कहूँगी इट वॉज़ एन ऑसम एक्सपीरियंस एज एन एक्टर। मैं अपने को एक्टर की बात करूँगी, अब देख सकते हैं वीडियो में देयर इज़ अ लॉट ऑफ केमिस्ट्री एंड देयर इज़ लॉट ऑफ यू नो द होल वाइब इज़ वेरी वेरी कम्फर्टेबल, वेरी ईजी। तो मैं इनको धन्यवाद बोलना चाहूँगी कि इनकी वजह से आई वॉज़ वेरी कम्फर्टेबल ऑन सेट, एंड ऑब्वियसली आर डायरेक्टर साहब दे हैव मेड अस लुक सो प्रिटी एंड इट्स शॉट सो ब्यूटिफुली। आई थिंक मेरे पास और वर्ड्स ऐड करने के लिए कुछ है नहीं, क्योंकि इन द एंड इट्स ऑल कम टुगेदर, और वो सब लोग इसे इतना लाइक कर रहे हैं, इतना यू नो हमें प्यार मिल रहा है, इससे ज़्यादा आई कॉन्ट बी मोर ग्रेटफुल देन दिस। एंड स्पेशली थैंक्स टू एस के म्यूज़िक वर्क, सिद्धार्थ जी, इरफान जी, एंड यू नो शकील जी, एवरीबडी हैज़ डन देयर ओन बिट एंड इट्स कम आउट वेरी नाइस। राहुल बहुत देर से वेट कर रहे थे, इंतजार कर रहे थे, मैं भी मन मन मुस्कुरा रहा। बताइए जी क्या कुछ, पहले तो आप सब में से मुझे ये बताइए कि दिल किस किस का टूटा है? देखो बोलेगा कोई नहीं, लेकिन टूटा सबका, ठीक है? तो जो जिन जिन का दिल टूटा है, जिन जिन का थोड़ा सा दर्द हुआ है ना, उनको सबको गाना बड़ा छुएगा। और गाना केवल विजुअली तो जब आप देखते तभी पता चलता है, बट जब आप सुनेंगे सबसे पहले, तो सुनने में जो दर्द है वो दर्द सीधा कनेक्ट होता है यहाँ से, क्योंकि कहीं ना कहीं जैसे पूर्वा ने बोला, हम एक लॉस वो फील करते ही है, और इस उम्र में आके तो बहुत लगता है कि कई जगह पे कई लॉस हो चुके। पर उस गाने में सबसे बड़ी खूबसूरती यही है जो सिद्धार्थ सर, शकील सर, मोहम्मद इरफान जी, अंशुल और हम सब पूरी टीम एज अ टीम जो हमने क्रिएट किया है, उस दर्द को लाना स्क्रीन पे वो आसान नहीं था। तो कोशिश की कि गाना सबसे पहले वैसा बने, और गाना जब वैसा बन गया तो वो गाना जस्टिफाई होना चाहिए एज अ विजुअल, कि वो उतना ही अपीलिंग हो जितना कि ये गाना है। तो गाने का दर्द स्क्रीन पे उतारना उसकी जिम्मेदारी थी अंशुल की, और अंशुल ने मेरे ख्याल से बहुत ब्यूटीफुली वो निभाया। क्योंकि जब मैं पहली बार वहाँ पर सेट पे था और अंशुल ने मुझसे बात की, तो ही वॉज वेरी क्लियर अबाउट द ब्रीफ, कि मुझे एक ही बात में उन्होंने समझा दिया कि एक कोई अपना जब खो जाता है, तो खोने के बाद जब आप उसे हर जगह ढूंढते हो, तो वो कैसी फीलिंग होगी। बस ये एक दो लाइन हमारे बीच में हुई, और उसके बाद में मुझे ब्रीफ कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, उन्हें कहीं ऊपर नीचे जो स्केल होता है एक, वो एक केवल इतनी ज़रूरत पड़ी। और हमने पूरा दिन शूट किया, और इट वाज अ हैक्टिक डे। और जो लोकेशन की आप बात कर रहे थे, वसई फोर्ट, मुझे नहीं लगता कि वसई फोर्ट को कितनी बार दिखाया गया है, कितनी जगह यूज़ किया गया है, बट अंशुल ने जो उसका इस्तेमाल किया है और जिस खूबसूरती से उसको दिखाया है, जब मैंने पहली बार वो स्क्रीन पे देखा, इन्होंने मुझे पहले शॉट के बाद बुलाया, राहुल कम, आई एम गोइंग टू शो यू लाइक दिस, एंड आई शॉ द फर्स्ट शॉट, और मैंने बोला यार, तो फिर उसके बाद और ऐसा हो गया कि नहीं यार, इसको और भी अच्छे तरीके से कैसे कर सकते हैं।
तो पूरा दिन कब गया हमको पता नहीं चला। और मैं सबसे ज़्यादा मज़ा तब आता है जब काम काम ना लगे, वो ऐसा लगे कि यार क्या कमाल की चीज़ चल रही है, मतलब मज़ा आ रहा है काम करने में। सो पूर्वा वहाँ, मतलब जब आपके सामने इतना खूबसूरत फेस हो तो आपको फिर ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आपको ज़्यादा अच्छे से इमोट करने की वो ज़रूरत पड़े, ऑटोमेटिकली वो इमोशन। सो इफ़ यू थिंक दैट सच ब्यूटिफुल फेस इज़ लॉस्ट फ्रॉम योर लाइफ, देन हाउ यू विल फील, मतलब इट इज़ दैट काइंड ऑफ। तो उतना कुछ क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, वो फीलिंग ऑटोमेटिकली आई। और काफ़ी कुछ एज अ टीम हमने जो सनोबर वहाँ पे हमारे क्रिएटिव्स में थी, उन्होंने भी काफ़ी कुछ उसमें जो बैक हैंड संभाला हुआ था प्री प्रोडक्शन एंड एवरीथिंग जो किया, उसमें भी काफ़ी कुछ हेल्प मिली। और हम सब ने एज अ टीम पूरा बहुत बेहतरीन ये डिलीवर किया है। और मैं बेहतरीन इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि है ये गाना बेहतरीन, और जिस तरह से लोगों ने इसको प्यार दिया वो उसको जस्टिफाई करता है कि मैं जो कह रहा हूँ वो सच है। और जितने भी म्यूज़िक वीडियो अभी आ रहे हैं उसमें ये गाना अलग स्टैंड आउट इसलिए करता है क्योंकि इसमें ऐसा एक अलग फील है जो आप जब देखते हैं जब सुनते हैं तो ऑटोमेटिकली आपको महसूस होता है, मुझे उसका अप्रिसिएशन देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट फिर भी मैं ये कहूँगा कि अगर गाना पसंद आया तो लाइक शेयर और जितना हो सके अपने अपने चाहने वालों को, अपने साथ दोस्तों परिवार सबको भेजिए और उनको सुनाइए। पूर्वा कुछ अपने केमिस्ट्री के बारे में शूट के दौरान कुछ ऐसी वाक्या कुछ याद आ रही हो आप दोनों के बीच में, कर पा रहे नहीं कर पा रहे, फोन आ रहा है जल्दी भाग रहा है इधर उधर कर रहा है, कुछ ऐसा वाक्या कुछ शूट के दौरान? एक्चुअली शूट के दौरान ये सब डिफ़िकल्टी आई डोंट थिंक आई हैव फेस्ड, मुझे नहीं पता राहुल का, मुझे ऐसी कोई डिफ़िकल्टी फेस नहीं हुई बिकॉज एज आई सेड पूरा इन्वायरमेंट वॉज सो ईजी, वॉज सो लविंग, वॉज सो एडजस्टिंग कि सब कोशिश कर रहे हैं कि किसी को कोई तकलीफ ना हो, किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो और अच्छे से हमारा काम अच्छे से शूट हो के और एक अच्छा प्रोडक्ट बने। तो शूट के दौरान अगर आप पूछेंगे कि मैं मेरी क्या फीलिंग थी या मेरे को क्या इश्यूज हो रहे थे, तो आई वॉज अ ज़ीरो, आई वॉज लुकिंग प्रिटी, आई हैड द बेस्ट मेकअप हेयर, आई हैड द बेस्ट यू नो पर्सन विद मी विच इज़ सनोबर एंड शी वॉज एट ऑल टाइम्स विद मी एंड हमारे इतने अच्छे डायरेक्टर, एवरीथिंग वॉज सो कम्फर्टेबल फॉर मी। सो एज सच मुझे कोई इशू नहीं हुए। हाँ, लोकेशन वाइज I was little spooked because वो graveyard है, कहाँ कहाँ झाड़ियों से I had to run wearing heels, so वो थोड़ा था, but that's a part of the job that we do. But I had a great time, we had a great time. हाँ, मतलब जब क्या होता ना कि set पे जब आप पहली बार मिलते हो, हम लोग पहली बार set पे ही मिले थे, तो जब मिले तो interaction नहीं होता तो obviously आपको लगता है कि हाँ चलो, because you have to show the chemistry on the screen. तो पहली बार हम गए, मैं बैठा पूर्वा के साथ, मैं बोला यार मैं आई एम राहुल दिस, सो एक हल्का सा अनकंफर्टेबल स्टार्टिंग का जो एक अनकंफर्टेबल होता है वो था। उसके बाद मेरे ख्याल से मैं ऐसा नहीं हूँ कि मेरे साथ कोई अनकंफर्टेबल रहे ज़्यादा देर तक मैं वो रहने नहीं देता। फिर बाकी तो फिर ये खुद भी बड़ा अच्छे से उन चीज़ों को कॉपरेट किया और हमने अब देख ही सकते जो क्रिएट किया। वैसे ये लोग ये आई जस्ट फोर्ट का कुछ खास वजह रहा फोर्ट यूज करने का इस गाने में, कुछ वजह खास? देखिए दो चीज़ें हैं इसके अंदर, एक तो ये है कि फोर्ट जिस तरह से फोर्ट बेसिन जो वसई फोर्ट के नाम से जाना जाता है जिसको हमने यूज़ किया इस गाने के अंदर, इस लोकेशन को, तो जो रुइंस अभी हो गए हैं, मतलब ये एक ज़माने में ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल फोर्ट हुआ करता था जो अपने बेस्ट ऑफ एलिमेंट्स में था, लेकिन आज ये एक रुइंस है, राइट, जिसको हमने प्रिजर्व करके रखा है। ये जो गाना है जो सिद्धार्थ जी ने बनाया है और शकील जी ने जो लिखा है, इरफान ने बहुत ही कमाल का गाया है, ये जो गाना है ये गाना भी क्या है, ये एक जब हम किसी से मोहब्बत करते हैं और वो इंसान नहीं रहता है तो हमारे पास में उसकी सिर्फ यादें रह जाती है जो कभी कभी रुइंस की तरह हमारे दिलो दिमाग में छाई रहती है, कभी बाहर नहीं निकलती है। और उन्हीं हॉन्टिंग मेमोरीज से हम जूझते रहते हैं। तो जिस तरह की एक कहानी है, एक इंसान है जो अपने खोए हुए प्यार की हॉन्टिंग मेमोरीज से जूझ रहा है, वो इस गाने के अंदर है।
और वही बात को स्क्रीन पर लाने के लिए मुझे नहीं लगता इससे बेहतर लोकेशन हो सकती थी, क्योंकि वो लोकेशन अपने आप में अपने अपने प्राइम डेज की हॉन्टिंग मेमोरीज बन के बस रह गई है. तो लोग चले जाते हैं लेकिन प्यार रह जाता है, उनकी यादें रह जाती है. जिस तरह से आज वो एक फोर्ट है, वहाँ पे कई यादें हैं, कई किस्से हैं, कई चीज़ें हैं. वही एक वही बात है जो इस गाने में और इसके वीडियो के ज़रिए हमने कहने की कोशिश करी है. नहीं, और एक और चीज़ जो मैं आपके लिए कहना चाहूँगा कि लोकेशन तो वही थी, ये फील भी वही था, लेकिन उस चीज़ को उस तरह से जो प्रेजेंट करना, आपने वो वीडियो में देखा है कि किस तरह का फील है गाने में. तो वो जो थीम, जैसा कि सिद्धार्थ सर ने भी कहा कि वो जो गाने का जो कलर थीम है, या शकील सर भी उस बारे में बात करें, तो कलर थीम से लेके जो उसको मैच किया एक साथ, वो एक विजन होगा तभी आप कर सकते हो. अदरवाइज लोकेशन आपको कैसी भी कितनी भी अच्छी और कुछ भी फाइनल कर लो, अगर आपके पास वो विजन नहीं है तो आप उसको उस तरह से उतना ब्यूटीफुली क्राफ्ट नहीं कर पाओगे, जो कि मेरे ख्याल से बिकॉज ऑफ यू ओनली इट हैपेंड. आई जेन्युइनली थिंक इट हैपेंड बिकॉज ऑफ द सॉन्ग इटसेल्फ, क्योंकि सॉन्ग में वो वाइब्स हैं, वो हॉन्टिंग चीज़ें हैं जिन्होंने इंस्पायर किया सो दैट वी कैन थिंक लाइक दैट. एंड जिस तरह से हमें सिद्धार्थ ने, उनकी पूरी टीम ने सपोर्ट किया वो चीज़ें करने के लिए, आई थिंक दैट इज़ वाई. और ये दोनों मैं उस वक्त कुछ कहना चाह रहा था कि जिस तरह से ये दोनों बात कर रहे हैं, आपको ऐसा लगेगा कि बहुत ही इजी ब्रीज, सब कुछ बहुत शानदार हुआ, ऐसा नहीं है. बोथ ऑफ देम, टू गिव देम फुल क्रेडिट, इट वाज अ डिफिकल्ट शूट. यूजुअली इस तरह के वीडियोस 2 से 3 दिन में बनते हैं, लेकिन हमने ये 1 दिन में शूट किया. और इन दोनों ने इमेंस कॉन्ट्रीब्यूशन किया उस शूट में, हमारे दोनों एक्टर्स, राइट फ्रॉम मतलब उस वक्त उस दिन किसी को ये सोच नहीं थी कि हमने क्या खाया है, क्या नहीं खाया है, क्या हम कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं. जैसे पूर्वा ने कहा, सबका फोकस सिर्फ इसी बात पे था कि हमें एक बहुत ही कमाल का म्यूज़िक वीडियो आज यहाँ पे बनाना है. एंड ऑल ऑफ देम वर कम्प्लीटली एट इट. और हमारी जो प्रोडक्शन टीम है विच वॉज लेड बाय सनोबर, उन्होंने पूरा ख्याल रखा कि किसी को कोई तकलीफ ना हो. और एक और इंसान है जिनके बारे में हम बात नहीं कर पाए, ऋषिकेश गांधी जी. नहीं, सो आई वाज कमिंग टू दैट ओनली. सो राइट फ्रॉम देयर टू हमारे सारे जो HODs हैं, जो हमारे DOP हैं, ऋषिकेश गांधी, टू आवर एडिटर, टू आवर हेयर एंड मेकअप जिन्होंने किया, क्रिस्टल जिनकी अभी ये तारीफ कर रही थी, और हमारे आर्ट डायरेक्टर श्रवण जायसवाल, मतलब एवरीबॉडी, हमारी जो प्रोडक्शन की पूरी टीम थी, सारे HODs और क्रूज, सब लोगों ने इतना कंट्रीब्यूट किया कि अगर हमारा ये विजन है तो हमें इस विजन को एग्जीक्यूट करना है और उसी तरह से करना है जो हमने सोचा था. सो आई थिंक हैट्स ऑफ टू एवरीबॉडी एंड स्पेशली टू दीज टू गाइज हियर, कि इन्होंने भी इनका कंट्रीब्यूशन तो आपको स्क्रीन पर दिख ही रहा है, बहुत कमाल का. और कुछ एनेक्डोट्स है छोटे छोटे जो पता नहीं है बताएंगे कि नहीं, पर मैं बता देता हूँ आपको. एक बहुत ही ब्यूटीफुल मोमेंट है म्यूजिक वीडियो में, जब राहुल उनकी ग्रेव पर आकर बैठते हैं और एंड ही स्टार्ट्स क्राइंग. तो हमारी मेकअप आर्टिस्ट से हमने बोला कि प्लीज़ इनको ग्लिसरीन दे दो, बिकॉज आई वांट दोज टीयर्स फ्लोइंग डाउन इन दैट मोमेंट ऑन दैट बीट. तो इन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया कि नहीं, मुझे ग्लिसरीन नहीं चाहिए. सो आई वाज लाइक कि नहीं, लेकिन आई वांट दैट टीयर ड्रॉप फ्लोइंग, मुझे वो टीयर ड्रॉप का फ्लो देखना है अपने शॉट के अंदर. इन्होंने बोला नहीं सर, आप मुझे ट्रस्ट करिए और जस्ट गिव मी 1 मिनट. और हम लोग सब चुपचाप शांति से कैमरा लेके शॉट रेडी करके अपना बैठे हुए हैं. इन्होंने ये वहाँ पे ग्रेव पे बैठ गए. आई थिंक इन्होंने कोई अपनी बहुत ही सैड मेमोरी को डिग किया होगा अंदर से, जो एक्टर्स करते हैं. एंड ही जस्ट टोल्ड मी आई एम रेडी फॉर द शॉट. हमने गाना लगाया और हमने कैमरा रोल कर दिया, और राइट एट द मोमेंट ऑन द टी, एंड आई वाज, मेरी आंखों में आंसू आ गए वो देखकर उस वक्त. मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि राइट ऑन द मोमेंट ही स्टार्टेड क्राइंग एंड टीयर्स स्टार्टेड फ्लोइंग आउट ऑफ हिज आइज. वो जो आप देख रहे हैं वो ग्लिसरीन नहीं है, वो सच में उनके असली आंसू हैं. सो दैट वॉज रिमार्केबल फॉर मी. मतलब मैंने बहुत सारे शूट्स किए इसके पहले, और जब भी मेरे एक्टर्स रोएं ग्लिसरीन के साथ रोएं, ये पहली बार हुआ है कि एक एक्टर ने मुझे बोला कि जस्ट गिव मी 1 मिनट एंड ही स्टार्टेड क्राइंग. सो एंड दो इन द कियोटिक राहुल, वो राज क्या है जो आंसू, जिंदगी cuz I was still जिंदगी there. मेरे दोस्त जिंदगी, मजा आता है. वो इतनी कमाल की चीज है, वो जैसे खूबसूरत लम्हे होते हैं, कुछ ऐसे मोमेंट्स होते हैं जो आपको सोचने की भी ज़रूरत नहीं होती, वो ऑटोमेटिकली आप में, आपके जहन में ऐसे बसे हुए. मैं कह रहा हूँ ना कि वो गाने का फील ही वैसा है कि आप जैसे ही एक हल्का सा भी वो सुनने लगते हो और आप वहाँ पे चले जाते हो ऑटोमेटिकली. और मेरे साथ ये थोड़ा सा मेरा खुद का चैलेंज होता है
मैं जो भी शो करूं, मैं पिछले 12 साल से इंडस्ट्री में हूं, सो मुश्किल से मुझे लगता है कि सीरियल्स में तो आप जानते हैं कि कितनी बार रोना और कितना करना पड़ता है, तो उसमें तो ग्लेस के बिना काम नहीं होता, लेकिन मैं वहाँ भी कोशिश करता हूँ कि आई गेस पूरे 12 साल में 5 बार मैंने कुछ ग्लिसरीन यूज़ किया, अदरवाइज जितने भी रोने के सीन है मैं खुद ऐसे ही करना पसंद करता हूँ क्योंकि इट मेक्स मी फील वेरी रियल। ये पी एच डी बिकॉज जब आप किसी चीज से प्यार करते हो ऑटोमेटिकली आ जाता है। अरे यादें, ये बहुत अच्छा टॉपिक है, इनकी शादी हो चुकी है, ये बहुत हैप्पीली मैरिड है। यस यस, नहीं उनको जो वो सवाल पूछ रहे उन्होंने एडमिट किया था। हाँ? अभी आपको ऐसा नहीं रोना चाहिए ना? नहीं नहीं, बट ऑन स्क्रीन। हाँ, क्या पूछ रहा था? यस सर, जिस तरह जो है शूटिंग के दौरान जो है वीडियो में दिख रहा है क्लिप, जो है रोते समय या किसी की यादों में रो रहे हैं, या जो है एक मोमेंट था जो है उसी सॉन्ग का? नताशा परेरा की याद में रो रहा था। ये जिन्होंने सवाल पूछा, ये इन्होंने अभी एडमिट किया था कि इनका दिल टूटा हुआ है। हाँ। तो वो जानना चाहते हैं आपसे कि आप क्या याद करके रो रहे थे। पर जेन्युइनली शुरू में ऐसा होता था कि जब मैं कितने बार टूटा है, नहीं 12 अभी मैं आई एम हैप्पीली मैरिड सो आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट, बट डेफिनेटली वो चीजें आपके जहन में कहीं ना कहीं होती है और वो जब आपको रिकॉल करना होता है किसी ऐसे सीन के लिए तो कभी कभी ऐसा रहता है, लेकिन अब मुझे नहीं लगता कि 12 साल के बाद में मुझे वो प्रोसेस दोहराना पड़ता है। शुरुआत ऐसे हुई थी लेकिन उसके बाद अब एज एन एक्टर थोड़ा सा वो कह रहे हैं ना PhD की हाँ देखेंगे भाई देखेंगे। और पूर्वा जी के लिए भी वो पूर्वा जी के लिए भी वो बहुत डिफिकल्ट था वहाँ पे शूट करना, उनका जो गाउन था वो अर्पित ने जो हमारे कॉस्ट्यूम स्टाइलिस्ट से उन्होंने डिज़ाइन किया था और वो उसके पीछे ह्यूज एक बहुत लंबा ट्रेल था जो आपने फर्स्ट शॉट में देखा होगा और वो ट्रेल के साथ में वो भागना और वो बहुत डिफिकल्ट टेरेन है फोर्ट बेसिन और एवरीबडी शुड गो, इट्स अ वेरी वेरी ब्यूटिफुल फोर्ट, आर्कियोलॉजिकल सोसाइटी के देखरेख में है वो फोर्ट, आप लोग प्लीज़ जाकर देखिए, बहुत ही खूबसूरत जगह है वो। और जैसा सिद्धार्थ जी ने बताया कि आई होप गवर्नमेंट इस तरह की ब्यूटिफुल प्लेसेस को इनक्रेज करें कि हम जैसे लोग वहाँ पर जाकर शूट कर सकें और वो लोगों के सामने आए, तो वो टेरेन बहुत डिफिकल्ट है, बहुत बड़ा फोर्ट है जहाँ पे हमने वो शूट किया है, तो विद दैट ऑल दैट ड्रेस एंड एवरीथिंग द वे शी डिड इट, इट वाज रिमार्केबल। अरे वो दैट सीन वेयर दो बड़ा वाला बड़े चबूतरे के ऊपर खड़ा लगाया गया था और ऊपर ना वो खड़ा कर दिया हम दोनों, मतलब पूर्वा के लिए इट वाज वेरी डिफिकल्ट, फॉर मी आई वाज वेयरिंग अ कोट, दैट विड्थ ऑफ द क्लिफ वाज सो इट वाज लाइक दिस मच, जो नॉर्मल एक बाउंड्री वॉल था उसके ऊपर खड़ा कर दिया पूर्वा, इज लाइक अब हील्स में मैं कैसे चलूं, तो शायद लिटरली दो लोग आगे से पकड़ के एंड देन फिर और बड़ा सा स्टॉप बड़ा रोमांस भी करना है, सो व्हेन आई वी आर स्टैंडिंग लाइक दिस, मैं बोला पूरा थोड़ी देर के लिए मैनेज कर लो बस हो जाएगा एंड फिर वो जैसे ही स्ट्रॉन्ग हैंड चला तो इट वाज लाइक ओके अच्छा ये भी संभालना है, वो ऐसे ऐसे चल रहा है उसमें, फिर देन इट वी टुक 2 मिनट्स और उसके बाद में जाके धीरे से सेटल होके फिर वो पूरा शॉट हो पाया। तो जिस ने ये वीडियो देखा होगा उसको पता चलेगा और वो रिलेट कर पाएगा इस चीज से के, केवल कोई गुजर जाए तो ही नहीं, जीवन से किसी का जैसे कि कोई भी पहला प्यार भाई का जो नहीं रहा अभी, मतलब वो जो नहीं अचीव कर पाए, तो उसी तरह की फीलिंग जो है जब आपके जीवन से एक अच्छा एक फीलिंग आप जिससे प्यार करते हो वो भी चला जाता है, तो भी वो लोग भी इससे बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे उन आंसुओं से या उस पूरे वीडियो से कि किस तरह से वो मेमोरीज आपको हॉन्ट करती हैं एक टाइम तक और वो सब कितना खूबसूरत होता है एक मोमेंट तक। तो गाना ही नहीं, रही बात अपेक्षा की, मेरे को अपेक्षा तो डेफिनेटली ये है कि ये गाना 50 मिलियन और उससे भी ज़्यादा जाए, बट मेरी अपेक्षाओं के अलावा मैं इतना कहना चाहूँगा कि जो अच्छी चीज़ है उसका अप्रिसिएशन डेफिनेटली होना चाहिए, जो अच्छी इतना अच्छा मेहनत करके सिद्धार्थ सर से लेके जितनी भी पूरी टीम है, अंशुल हो गए या जो भी पूरी हमारी टीम रही है, इतना अच्छा मोहम्मद भाई ने वो गाया है,
शकील सर, देन ऋषिकेश सर जिन्होंने शूट किया. सो एवरीबडी, देखिए हर गाना या कोई भी चीज़ हो उसके पीछे बहुत सारा हार्डवर्क होता है, लेकिन कुछ एक चीज़ें होती है जो बहुत स्पेशल बनती है. तो ये उन स्पेशल में से, जस्ट बिकॉज ये हमारा गाना है मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ, जस्ट बिकॉज कुछ गाने आज के दौर में ऐसे बन रहे हैं जो इतना दिल को छू जाएंगे. सो आई थिंक एक्सपेक्टेशन है कि आप लोग इसको बहुत सारा प्यार देंगे. अभी हमने डिस्कस किया वो क्लिफ वाला मोमेंट जहाँ हमें पता नहीं था कि हम दोनों गिर जाएंगे या वो फैन गिर जाएगा या क्या होने वाला है, बट वी समहाउ पुल्ड इट ऑफ. ओवरऑल मैं आपको बताऊँ, सबसे यादगार जो चीज़ है वो पूरा वो दिन, कोई एक ऐसा मोमेंट नहीं. जैसे मैंने पहले कहा था, ये सॉन्ग मेरे दिल के बहुत करीब है और उसकी बहुत सारे रीजंस हैं, एंड वो पूरा दिन बहुत यादगार है और ये पूरा वीडियो बहुत यादगार है, एंड इट विल ऑलवेज बी स्पेशल इन माय लाइफ. एंड मेरी मतलब आई एम वेरी ग्रेटफुल कि मैं इस टीम के साथ काम कर पाई और फ्यूचर में भी काम करना चाहूँगी, यू नो, विद सो मच ऑफ टैलेंटेड पीपल एंड गुड हार्टेड पीपल. इन द एंड आपको चाहिए कि अच्छे लोग साथ में काम करें तो वो एक अच्छी चीज़ बनती है जो लोग अप्रिशिएट करते हैं. एंड माय एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द सॉन्ग इज़ सेम, बिकॉज आजकल अगर आप देखें तो दिस इज़ नॉट अ डांसिंग नंबर. ये कोई वो नहीं है कि इस पर कोई टिकटॉक बनेगा या ऐसा होगा जो आजकल चल रहा है सोशल मीडिया की दुनिया में, बट फिर भी लोग इस गाने को पसंद कर रहे हैं और रील्स बना रहे हैं. दैट्स वेरी वेरी कमेंडेबल एंड आई थिंक आई रियली फील वेरी गुड अबाउट इट एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल कि मैं इस टीम का एक हिस्सा थी और मैं अपना कंट्रीब्यूशन दे पाई. सबसे बड़ी चीज़ जो जो अभी इन्होंने बोला उसमें एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि एक बहुत अच्छी बात इन्होंने कही कि टैलेंट की ही बात नहीं है, टैलेंट के साथ में उन लोगों के साथ काम करना जो आपको दे विल मेक यू फील लाइक होम. सो ये एस के म्यूज़िक वर्क्स, इट्स लाइक होम. यहाँ पे आके ऐसा नहीं लगता कि अरे हम सिद्धार्थ सर के साथ जब आप बैठेंगे तो कभी भी वो आपको कभी ऐसा फील नहीं करवाएंगे कि आई एम द बॉस और आई जस्ट यू नो, वो वाली फीलिंग ही नहीं है. यहाँ पे ऐसा लगता है कि आके हाँ सर कैसा, तो हर चीज़ में वो जो जिस तरह से सब लोगों का जो पूरी टीम को जिस तरह से लीड करते हैं, पूरी टीम जिस तरह से आपके साथ में है, इट्स लाइक होम. सो और और इससे ज़्यादा खूबसूरत क्या हो सकता है, जब आप एक आर्टिस्ट को कंफर्टेबल एनवायरनमेंट दे देंगे, चाहे वो एज एन एक्टर हो, एज एन डायरेक्टर हो, एज एन सिंगर हो, कंपोजर हो, कैसे भी आप देख लीजिए, उससे ज़्यादा कोई फिर क्रिएटिविटी को रोकने वाला नहीं है फिर, अगर ऐसा एनवायरनमेंट रहेगा तो. अंशुल सर आप क्या कहेंगे, कितनी आशाएं अपेक्षाएं हैं और खास करके इतने व्यूवर्स हैं इसके म्यूजिक वर्क्स के, उनकी आशाओं पर खरा उतरना कितना चैलेंज है और क्या कुछ कहना चाहेंगे? मेरा एस के म्यूज़िक वर्क्स के साथ मैं बहुत लंबा एसोसिएशन रहा है, मैंने काफ़ी सारे म्यूज़िक वीडियोस किए जो उनके चैनल पर है, प्लीज़ आप सब जाकर उन्हें उन वीडियोस को देखिए. और हमें अक्सर बाय गॉड्स ग्रेस ऐसे फीडबैक मिलते हैं लोगों से कि ये गाना पिछले गाने से भी बेहतर है, तो इस बार भी कुछ ऐसा सुनने के लिए मिल रहा है. एंड आई होप कि हर गाना, अगला गाना जो हो इससे बेहतर हो, ऐसा लोग बोलें. तो लोगों की डेफिनेटली बहुत काफ़ी सारे एक्सपेक्टेशंस हो जाती है जब आप उनको अच्छे प्रोडक्ट्स देने लग जाओ. और सिद्धार्थ जी की ये खास क्वालिटी है दैट वो ही ऑलवेज स्ट्राइव्स, वो पूरी कोशिश करते हैं कि मेरा ये गाना पिछले गाने से एक तो अलग हो और उससे बेहतर हो और लोगों को पसंद आए. और मुझे जो उनकी सबसे अच्छी क्वालिटी लगती है वो उनकी ओरिजिनैलिटी है. वो कभी ये नहीं सोचते कि अभी ये ट्रेंड चल रहा है तो मैं अभी ये कॉपी कर दूं या वो ट्रेंड. आप दिल आवारा देखिए, इट्स अ वेरी वेरी डिफरेंट सॉन्ग, ये ट्रेंड नहीं चल रहा है, ये ट्रेंड सेट करेगा. इस तरह के लोग गाने बनाना चालू कर देंगे अब. तो ये जो उनकी क्वालिटी है ना, जो वो पुश करते हैं बाउंड्रीज़ को, तो ये एक्सपेक्टेशंस एस के म्यूज़िक वर्क्स की ऑडियंस को भी हो जाएगी. और मुझे लगता है कि टीम एस के म्यूज़िक वर्क्स, बहुत ऑडियो वीडियो एवरीबडी कम्बाइंड, ये हमेशा उस अपेक्षाओं पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करेंगे. सो थैंक यू वेरी मच आप सब लोग जिन्होंने अभी तक हमें बहुत सारा प्यार दिया और आगे भी इस तरह से देते रहिए. सो दैट्स ऑल वी वांट, आई मीन दैट्स आवर प्रेयर्स. चलिए विश ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच. थैंक यू.